तमिलनाडु के सुचिंद्रम में स्थित थानुमलयन मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि त्रिदेवों की पूजा एक ही शिवलिंग के स्वरूप में की जाती है। शिवलिंग के ऊपरी भाग में महादेव का निवास है, जिन्हें स्थानीय भाषा में स्थानु कहा जाता है। वैसे ही शिवलिंग के मध्य भाग में भगवान विष्णु मल के नाम से एवं अंतिम भाग में ब्रह्मा जी अया के नाम से विराजमान है। इन्हीं तीन नामों के समाहार से मंदिर का नाम थानुमलयन पड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुया की परीक्षा लेने हेतु त्रिदेव उनके यहाँ भोजन करने के लिए आए। भोजन करने से पूर्व त्रिदेवों ने ये शर्त रखी कि यदि अनुसुया निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन कराएंगी तब ही वो उनका भोजन ग्रहण करेंगे। इस बात पर परम सती देवी अनुसुया ने अपने तपोबल का प्रयोग कर त्रिदेवों को छोटे बालकों के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पुत्रवत स्नेह के साथ अपने हाथों से भोजन कराया। अनुसुया की भक्ति और मातृतुल्य प्रेम से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान अनुसुया को दिया, जिसके फलस्वरूप त्रिदेवों के सम्मिलित अवतार भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। कहते हैं कि जिस स्थान पर यह घटना हुई उसी स्थान पर इस प्रसंग को स्मरण करते हुए त्रिदेवों के सम्मिलित स्वरूप थानुमलयन भगवान विराजमान हुए।